चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अलंकार। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे ग्रामर में अलंकार। अलंकार, अलंकार का अर्थ क्या होता है ये देखो। सबसे पहले अलंकार का मतलब क्या होता है। अलंकार का अर्थ होता है जो अपने आप को सुंदर बनाने के लिए भूषण वगैरह पहनते हैं। अगर एक जैसे सपोज भगवान ने ये हमें सुंदर शरीर दिया है, उस सुंदर को और बढ़ाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, आभूषणों का प्रयोग करते हैं। तो वही आभूषण को लोग क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। तो उसी प्रकार जिस प्रकार लोगों की शोभा बढ़ाने के लिए, सुंदरता बनाने के लिए आभूषणों का प्रयोग किया जाता है, गहनों का प्रयोग किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहा जाता है। मतलब काव्य में अलंकार किस चीज का, आभूषण का काम करता है, सुंदरता बढ़ाने का कार्य करता है। परिभाषा यह है इसकी। अब देखो अलंकार के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं, शब्दालंकार अलंकार। दो अलंकार होते हैं, शब्द और अर्थात। तो शब्दालंकार में कितने होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार होते हैं। आज हम सिर्फ इन्हीं का देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे, अर्थालंकार। अर्थालंकार के भी अलग अलग भेद होते हैं। तो शब्दालंकार, जिन अलंकार शब्दों के प्रयोग के कारण वाक्य में कोई चमत्कार हो जाता है और उस स्थान पर समानार्थी शब्दों के रख देने से वह चमत्कार समाप्त हो जाता है, वे शब्दालंकार माने जाते हैं। समझा? देखो जिस अलंकार, अलंकारिक शब्दों के प्रयोग के कारण कोई भी चमत्कारी शब्द बनता है, लेकिन उस चमत्कारी शब्द को उसी के समान कोई शब्द अगर रख दिया जाता है तो वह चमत्कार क्या होता है, समाप्त हो जाता है, वहां शब्दालंकार होते हैं। मतलब शब्द की शोभा बढ़ाने वाले चमत्कार का प्रयोग भी हम कभी करते हैं, और कभी कभी हम क्या करते हैं, ऐसे सरल शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। इसका मतलब तो यही है। तो ऐसा, ऐसे शब्दों को काव्य में क्या कहा जाता है, शब्दालंकार। अब इसके तीन भेद हैं, जब तीनों भेद हम देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अनुप्रास, वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है। एक शब्द की शब्द क्या होते हैं, बारंबार आते हैं। जैसे चारु, एक जैसे एक ही शब्द बार बार आते हैं। देखो अब कहा दिया है उदाहरण के रूप में, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। चारु च चंद्र च चंचल, बहुत एक ही वर्ड कितने बार आए हुए हैं। और अलंकार सिर्फ काव्य में ही प्रयोग किया जाता है, काव्य यानी कविताओं में ही इसका प्रयोग होता है। तो चारु चंद्र चंचल, हर एक चीज का अर्थ अलग अलग है, लेकिन यहाँ वर्ड अनेकों बार आए हैं, वर्डों की आवृत्ति अनेकों बार हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। समझा इतना सुभिक्षा? यस मैम। ओके, अभी नेक्स्ट यमक अलंकार। शब्दों की आवृत्ति होती है, अर्थ अलग होंगे। देखो यहाँ शब्द, पूरे शब्द आते हैं, वहां क्या दिया था, वर्ड यानी एक वर्ड, और यहाँ क्या दिया है, शब्दों की आवृत्ति। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, ध्यान देना, शब्द बार बार आते हैं, अर्थ उसके अलग होते हैं। जैसे कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, धतूरा या सोन, एक
देखो, शब्दों की आवृत्ति होती है लेकिन अर्थ उसके अलग अलग होते हैं। जैसे कनक कनकते सोहुनी मादकता अधिकाय। देखो कनक, कनक का अर्थ होता है, दो अर्थ यहाँ लिया गया ब्रैकेट में, देखो दोनों शब्द दिए हुए भी हैं, धतूरा सोना। कनक कनकते सोहुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग वापाए बौराए। यहाँ अयमक अलंकार होगा, शब्द की आवृत्ति दो बार हुई है, शब्द दो बार आए हैं लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। कनक कनकते, या तो धतूरा सोना, कनक इसको खाने से भी लोग क्या होते हैं, बौराए, बौराए यानी पागल हो जाना। धतूरा अगर खा लो तो भी पागल हो जाओगे, अगर सोना मिल जाए इंसान को, बहुत सारा सोना हो जाए मिल जाए तो उसके मद में भी लोग क्या होते हैं, पागल हो जाते हैं। तो इसलिए दोनों का अर्थ अलग अलग है लेकिन दोनों का प्रभाव एक ही तरफ पड़ रहा है। तो ये मत देखो कि प्रभाव क्या पड़ रहा है, सिर्फ आपको ये देखना है कि शब्दों की आवृत्ति कितनी बार हुई है। वर्णों की आवृत्ति होगी तो अलग अलंकार, शब्दों की आवृत्ति होगी तो यमक अलंकार। अब आया श्लेष अलंकार। शब्द एक अर्थ अनेक होते हैं, मतंग को देख पट देत बार बार, पट वस्त्र दरवाजा। देखो यहाँ भी यही दिया हुआ है, शब्द एक अर्थ अनेक, वहां क्या दिया था, शब्द एक ही शब्द आएंगे लेकिन अर्थ अलग अलग होंगे और एक शब्द के अर्थ अनेक होंगे। तो पट यानी वस्त्र, पट यानी दरवाजा, रहिमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबटे, मोती मानुष चून। एक शब्द के तीन अलंकार। तो इसलिए यमक और श्लेष अलंकार में थोड़ा कभी कभी क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाती है, लेकिन कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है श्लेष और यमक अलंकार में। उदाहरण जब आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक से ज्यादा अगर वो शब्द दिए रहेंगे, दो बार दिए रहेंगे यमक अलंकार लिखना, दो से तीन चार बार दिए रहेंगे ना श्लेष अलंकार लिखना। अनेक यहाँ दिया हुआ है, समझा? यस तो रहीमन पानी राखिए, बिन पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ पानी का अर्थ दो चीजों से दिया गया है, एक पानी पीने का पानी, एक पानी इज्जत। लोग बोलते हैं ना, अरे हमारा पानी उतार दिया उसने, तो यह सब रहीमन पानी राखी, अपनी इज्जत अपने हाथों में होती है, बिना इज्जत के कोई किसी की सुनता नहीं है। और पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, तो ये क्या होता है, पानी के बिना मोती मनुष्य और चूना नहीं रह सकते हैं। चूने को भी पानी की जरूरत पड़ती है, अगर चूने को पानी में न डाला जाए तो क्या हो गया, सूख के पत्थर बन जाता है, वो किसी काम का रह नहीं जाता है, चाहे वह खाने वाला चूना हो चाहे वह दीवार में लगाने वाला चूना हो, समझा? ठीक, हाँ मैम, ये थे आपके तीन अलंकार, शब्दालंकार अर्थालंकार। अभी हम एक छोटा सा वीडियो देखोगे, आपको पूरा अच्छे से समझेगा। बाकी लोग तो आए नहीं, बाकी लोगों को तो आना नहीं था। सुषमा आवाज आएगी तो मुझे बताना जरा बेटा। हाँ मैम, सुविधा मैम नहीं आ रही आवाज। आएगी, आती है, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है लेकिन आती जरूर है। हेलो अभी फ्रेंड्स, देखो वेलकम बेटा आ टू रही माय है। आ रही है चैनल मैम। मैच हाँ क्लब। वंस अगेन मैं आपका दोस्त कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, अलंकार।
तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग अलंकार के बारे में पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अलंकार का मतलब होता है आभूषण या गहना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ज्वेलरी। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ज्वेलरी का इस्तेमाल एक स्त्री या कोई महिला अपनी सुंदरता को बढ़ाने में करती है, तो उसी प्रकार से अलंकार का भी इस्तेमाल हम लोग शोभा को बढ़ाने में करते हैं, सुंदरता को बढ़ाने में करते हैं। मैम आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही थी मैम। अब देखो, विशिष्ट प्रयोग से सौंदर्य या चमत्कार है तो वहां शब्द अलंकार होता है। मतलब किसी भी कवि ने अगर कोई पंक्तियां लिखी तो उसने अगर कोई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल की तरफ ध्यान दे तो अर्थालंकार बना है अर्थ धन अलंकार से। अर्थ धन अलंकार मतलब कि जिस भी काव्य के अर्थ में एक विशेष प्रकार का सौंदर्य हो वहां पे अर्थालंकार होता है। शब्दालंकार शब्दों की वजह से सौंदर्य मिले, और अर्थालंकार कि कोई भी लाइन का अगर हम अर्थ निकालें तो एक विशेष प्रकार का अगर हमें अर्थ मिल रहा है तो वहां पे होता है अर्थालंकार। अब आइए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि शब्दालंकार और अर्थालंकार में कितने प्रकार के अलंकार होते हैं और एक एक करके उनको पढ़ते हैं। ऐसे तो दोस्तों अलंकार बहुत बहुत ही ज्यादा प्रकार के होते हैं, 100 से ज्यादा प्रकार के अलंकार होते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में कोई बोर्ड एग्जाम हो या कॉम्पिटिशन का एग्जाम हो जिसमें हिंदी आता है वहां पे कुछ महत्वपूर्ण अलंकार ही पूछे जाते हैं, तो वो महत्वपूर्ण अलंकार आज मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, शब्द अलंकार में मैंने तीन प्रकार लिखा है, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। उसी प्रकार से अर्थालंकार में मैंने 8 महत्वपूर्ण अलंकार लिखे हुए हैं, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार, अन्योक्ति अलंकार और संदेह अलंकार। तो आइए दोस्तों, अब एक एक करके सभी अलंकार के बारे में पढ़ते हैं। अलंकार क्या है अलंकार? जब एक ही वर्ण, वर्ण का मतलब अक्षर, अल्फाबेट, तो जब एक ही अल्फाबेट, एक ही अक्षर किसी काव्य में, किसी लाइन में, किसी पंक्ति में बार बार आए तो वहां पे क्या होता है? अनुप्रास अलंकार। जब एक ही अक्षर बार बार आता है तो वहां पे क्या होता है? अनुप्रास अलंकार। जैसे उदाहरण में देख सकते हैं, तरणी तनुजा तट टमाल तरुवर बहु छल, तरणी तनुजा तट टमाल सॉरी तमाल तरुवर बहु छल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो त अल्फाबेट है, त वर्ण, इसकी आवृत्ति बार बार हो रही है, ये बार बार आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे
New Dettol and Moms. It protects 100 illness causing germs and has no chemical residue. Will your child win free education for life? Book a free coding class with White Hat Junior. यहाँ पे आपका क्या होगा, अनुप्रास अलंकार। ऐसे ही आप बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं, जैसे हम लोग खेलने के लिए कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, तो खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। इस प्रकार के हम लोग अक्सर सेंटेंस होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ख वर्ड बार बार, सॉरी ख अल्फाबेट बार बार आ रहा था, तो यहाँ पे क्या होगा, अनुप्रास अलंकार। तो किसी भी पंक्ति में अगर एक ही वर्ड बार बार आता है तो वहां पे क्या होता है, अनुप्रास अलंकार। दूसरा है यमक अलंकार। ये क्या होता है, तो जैसा कि आप डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और हर बार उनका अर्थ अलग अलग हो तो वहां पे यमक अलंकार होता है, ठीक है। मतलब कि एक शब्द कई बार आए, ठीक, और हर बार उनका अर्थ क्या हो, अलग हो, तो यमक अलंकार होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, लिखा है कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग वा पाए बोराए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, कनक जो वर्ड है वो दो बार आया है, ठीक है। तो पहले कनक का अर्थ है धतूरा मतलब अनाज, और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। कनक वर्ड एक ही है लेकिन इसका दो अर्थ है, क्या, धतूरा और सोना। तो इसका अर्थ यही है कि अगर किसी इंसान को अधिक मात्रा में अनाज या सोना मिल जाता है तो वो इंसान बोरा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे कनक जो वर्ड है वो है तो एक ही लेकिन उसके दो बार आया है और दोनों बार उसके अर्थ अलग हैं, तो यहाँ पे यमक अलंकार होगा। तीसरा है आपका श्लेष अलंकार। तो इसमें है कि जब कोई शब्द एक ही प्रात प्रयोग हो लेकिन उसके एक से ज्यादा अर्थ हो, मतलब किसी भी काव्य में एक शब्द के कई सारे अर्थ निकले तो वहां पर होता है श्लेष अलंकार। आप उदाहरण देख सकते हैं, चरण धरत चिंता करत चितवत चारहु ओर, सुबिरन को खोजत फिरे कभी कभी व्यभचारी चोर। तो आप यहां देख सकते हैं दोस्तों कि जो सुबिरन वर्ड है वो एक आया तो एक ही बार है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हैं। अगर हम लोग कवि की बात करें तो कवि के लिए सुबिरन शब्द है सुंदर अक्षर। अगर व्यभिचारी की बात करें तो व्यभिचारी के लिए सुबिरन अर्थ होता है सुंदर स्त्री, और चोर के लिए सुबिरन का मतलब है सोना। तो सुबिरन तो वर्ड एक ही बार आया लेकिन तीनों के लिए, कवि के लिए, व्यभिचारी के लिए और चोर के लिए, तीनों के लिए सुबिरन का अर्थ अलग अलग है। एक बार सुंदर अक्षर, सुंदर स्त्री और फिर सोना। तो जब कोई एक ही वर्ड आए और उस एक वर्ड के कई कई अर्थ निकलते हैं तो वहां पे क्या होता है, श्लेष अलंकार। नेक्स्ट है उपमा अलंकार। तो दोस्तों उपमा अलंकार की परिभाषा होती है जहां दो वस्तुओं या व्यक्तियों में अंतर होते हुए भी उनकी आकृति एवं गुण की समानता की जाए तो वहां पे उपमा अलंकार होता है। मतलब कि दो वस्तु या व्यक्ति के में अंतर तो है लेकिन फिर भी अगर हम उनमें उनके गुणों में समानता कर रहे हैं तो वहां पे क्या होगा, उपमा अलंकार। उदाहरण से आप समझ सकते हैं इसको, जैसे पीपल पात सरिस मन डोला। यहां पर पीपल का पत्ता और मन दो एकदम अलग चीजें हैं, उनमें कोई समानता सिमिलैरिटी नहीं है, लेकिन कैसे उनको जोड़ा गया है, कैसे उनमें समानता निकाली गई है, तो ये कहा जा रहा है, कवि कहता है कि जो पीपल का पत्ता होता है उसकी समानता मन के चंचलता से कर दी गई, ठीक है। पीपल पात सरिस मन डोला, जैसे पीपल का पत्ता डोलता है वैसे हमारा मन भी चंचल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पीपल का पत्ता और मन दोनों अलग चीजें थी लेकिन फिर भी उनकी समानता की गई, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, उपमा अलंकार। अगला है आपका रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार में लिखा है जब उपमेय में उपमान का अभेद रूप लोप किया गया हो तो ये कौन है, जी ए यू डी, वो अश्विन गौड़ है मैम।
अश्विनी है कि दूसरा कोई है? अश्विन का ही सरनेम वो है, लेकिन उसने वैसे क्यों रखा है पता है ना। उसका ऑडियो का ये भी नहीं दिख रहा है। हेलो अश्विन, हेलो हेलो हेलो, बोल भी नहीं रहा, क्या बोलूं अभी। हेलो हेलो चला गया मैम, मैंने रिमूव किया। अच्छा, बोलेगा नहीं तो इन गौर से आता है वो, अभी आज किसी और के नाम से आया है। मैम फिर से आवाज गई। मैम आवाज नहीं आ रही है। मैम आवाज नहीं आ रही है। मैम आपको मेरी आवाज आ रही है? मैम आपको आवाज आ रही है?
मैम आवाज नहीं आ रही है। मैम मैम मुझे वीडियो की आवाज नहीं आ रही है। मैम
रुचा यस मैम